ये तो दुनिया का रीत है, जो जन्म लिया उसको मरना है, जो जीता है उसको हारना है, जो हारा है वो जीतेगा, जो सरकार बनाया है उसका गिरेगा, जिसका गिर गया उसका सरकार बनेगा। दो चीज़ होने वाला है, ये वो तो दारू फ्री हो जाएगा, ये वही लड़का सोच रहा है, ये वो कह रहा है कि नौकरी मिल जाएगा, तो नौकरी मिल जाएगा दारू फ्री होगा सो तो मुझे पता है। आज कह रहा है और आरती दिखा रहा है उनके फोटो का, कहता है कि तेजस्वी बाबू आ गए हैं, अब हमको नौकरी मिल जाएगा। और मुझे तो तब ताज्जुब लगा कि आप लॉलीपॉप की तरह जनता को समझाने लगे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री बना हूँ। तो क्या 10 लाख नौकरी के जगह पर क्या 6 लाख की नौकरियाँ देंगे? अगर बिहार के जनता को 31 दिसंबर ये दे देंगे तो ये बड़ी बात होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी हैं। क्या कुछ कहेंगे, अब तो आप मंत्री थे, पूर्व मंत्री हो गए। ये तो दुनिया का रीत है, जो जन्म लिया उसको मरना है, जो जीता है उसको हारना है, जो हारा है वो जीतेगा, जो सरकार बनाया है उसका गिरेगा, जिसका गिर गया उसका सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव बीजेपी के नेताओं को सड़क छाप नेता कह रहे हैं। अपने गिरेवान में झांक के देखे तेजस्वी यादव जी, पहले नौजवानों को जो ठग करके वोट लेने का काम किए थे, और आज नौजवान जो गली गांव में बैठा हुआ है, जो मैट्रिक इंटर बीए पास करके आज कह रहा है और आरती दिखा रहा है उनके फोटो का, कहता है कि तेजस्वी बाबू आ गए हैं, अब हमको नौकरी मिल जाएगा। तेजस्वी यादव जी, माननीय मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप अविलंब इस सरकार में 60% के पार्टनर हैं आप, 50% के नहीं, 60% के पार्टनर हैं आप, और बड़ा गठबंधन आपके साथ उनमें विलय मतलब गठबंधन किए हैं, तो निश्चित रूप से वे आप 5 हैं वो 2 हैं, यानी आप सबसे बड़ी पार्टी भी हैं, तो आपका अधिकार चलता है और बनता, आपने कहा भी है। और मुझे तो तब ताज्जुब लगा कि आप लॉलीपॉप की तरह जनता को समझाने लगे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री बना हूँ। तो उप मुख्यमंत्री बन गए तो उस बात को मान लिए। तो क्या 10 लाख नौकरी के जगह पर क्या 6 लाख की नौकरियाँ देंगे? और 6 लाख नौकरी की बात को छोड़ दें, 4.5 लाख जो वैकेंसी अगर बिहार सरकार में है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी होती है, मुझे उतना भी नहीं जाना है, जो नौकरी सिर्फ पाइपलाइन में है, जैसे हम लोगों ने अपने विभाग में 10,000 लोगों की नौकरी की बात कही और 7,000 लोगों को मैंने दिया, बाकी 3,000 लोगों को और नौकरी देना है, अन्य विभागों में देना है, या 1 लाख नौकरी भी तेजस्वी यादव जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बिहार के जनता को 31 दिसंबर ये दे देंगे तो ये बड़ी बात होगी, और जनता उनका जिंदगी भर पूजा करेगा, ऐसी व्यवस्था करे। अगर ये नहीं होता है तो वो जल्द इस्तीफा दे। 1 लाख नौकरी भी, 1 लाख काफ़ी है। आप लोग पूजा करेंगे? हम लोग नहीं, जनता पूजा करेगी। जनता नौजवान को जो ठक करके तेजस्वी जाएंगे, पहले कैबिनेट में नौकरी देंगे, आज उनके वोटरों के बीच में जाके पूछिए, वो नौजवान आज भटक रहा है, तेजस्वी जी आ गए हैं। दो चीज़ होने वाला है, ये वो तो दारू फ्री हो जाएगा, ये वही लड़का सोच रहा है, ये वो कह रहा है कि नौकरी मिल जाएगा, तो नौकरी मिल जाएगा दारू फ्री होगा सो तो मुझे पता है, लेकिन नौकरी मिलेगा इसकी गारंटी तेजस्वी यादव को 50% नहीं, 60% के पार्टनर है, उसके हिसाब से 6 लाख का नौकरी देने का इनका अधिकार है, 6 लाख नहीं 1 लाख दिलवा दे बिहार के नौजवानों को, ये बड़ी बात है। अच्छा, RJD विधायक ने भी मांग कर दिया कि थाने से दारू बेची जाए। देखिए, अब वो पार्टनर हैं, वो सरकार में है, जनता के हित में जो सही निर्णय होगा, जनता जो चाहेगी उस निर्णय को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जो चोटी वाले नेता पर हमला किया है, चोटी वाले नेता बनने से कुछ नहीं होता है। देखिए, इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। जो हिंदू समाज अपना शाखा बांधता है, चंदन लगाता है, उनको विश्वास है बिना शाखा वाले पर, बिना चोटी वाले पर। हमको विश्वास है इस बिहार के और देश के जो तमाम हिंदू समाज हैं, वैसे में मुझे गर्व है, जो अपने देश और संस्कार की बात करते हैं, जो सखा बांधते हैं, जो चंदन लगाते हैं, जो माला पहनते हैं, उस पर मुझे विश्वास है। कई सारी बातों को मंत्री रामसूरत राय ने कहा है। मंत्री रामसूरत राय ने साफ साफ कह दिया, अगर तेजस्वी यादव और ये महागठबंधन की सरकार बिहार में 1 लाख लोगों को ही रोजगार दे दे तो बिहार की जनता उनकी पूजा करेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।